सब कहते हैं कि इफिसस की कलीसिया का जो दूत है वो पौलुस है। जिससे भी पूछ लीजिए, किसी भी सेवक से पूछ लीजिए, बिशप से पूछ लीजिए, इंटरनेशनल प्रीचर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, परंतु जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा पौलुस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड के अंदर बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। और पिछले संदेश में हम सीख रहे थे इफिसस की कलीसिया के बारे में, यानी प्रकाशित वाक्य 2:1-7। और इन पदों के हमने रूपरेखा तैयार करी थी जिसके 11 पॉइंट बनाए थे। पिछले संदेश में हम 3 पॉइंटों पे बात कर चुके हैं। आप YouTube पे जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि उन संदेशों में क्या बात थी, उन 3 पॉइंट जो थे वो क्या था। वो प्रथम भाग था इफिसस की कलीसिया का। आज हम बात करेंगे इफिसस की कलीसिया के दूसरे भाग के बारे में, और दूसरे भाग का जो 4th पॉइंट है उसके विषय में बातचीत करेंगे। आप जो हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 निकाल के रखिए, आप पढ़ सकते हैं, आराम से घर में पढ़िए और देखते रहिए अपनी बाइबल से उन चीजों को कि परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 2:1-7। जी हाँ, दूसरा जो भाग है, इस भाग का जो इफिसस की कलीसिया का जो दूसरा भाग है और इसका जो 4th पॉइंट है उसके विषय में बात कर रहे हैं कि इफिसस की कलीसिया का दूत कौन है। आप किसको समझते हैं इफिसस की कलीसिया का दूत? अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सबकी जुबान पर जो है, सबके मुंह पर जो है, सबके होंठों पर जो है, सिर्फ एक नाम रहेगा, और वो नाम कौन सा? पौलुस का। सब कहते हैं कि इफिसस की कलीसिया का जो दूत है वो पौलुस है। जिससे भी पूछ लीजिए, किसी भी सेवक से पूछ लीजिए, बिशप से पूछ लीजिए, इंटरनेशनल प्रीचर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, परंतु जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा पौलुस नहीं है। अब आप कहोगे इतने सारे पादरी लोग कह रहे हैं, इतने सारे प्रीचर कह रहे हैं, इतने सारे लोग कहते हैं कि पौलुस है, और आप अकेले मतलब कह रहे हैं कि पौलुस नहीं है। देखिए, बहुत लोग एक तरफ होने का मतलब यह नहीं होता है कि वो सही हो। इसे बाइबल से इसके उदाहरण मिलते हैं। जब मैं ऐसे ही आपको समझाना चाहता हूं, उदाहरण देखिए, जब अहाब राजा जो था लड़ाई पे जा रहा था, यशोपात को उसने अपने साथ लिया। यशोपात ने कहा कि पहले हम प्रभु के जो दास हैं, जो भविष्यवक्ता, उनसे मालूम कर लें कि हम लड़ाई करें या नहीं करें। उसने कहा ठीक है। उसके जो नवी थे, 400 लगभग नवी थे, उनसे पूछा। सब कहते हैं राजा तू लड़ाई पर जा और तू विजय होकर लौटेगा। अरे यशोपात जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, कोई भी नबी जो है इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, कोई अलग हटके नहीं बता रहा है। उसने अहाब से पूछा कोई और भी है क्या? तो वो कहता है कि हाँ एक और है, मगर वो मेरे विरोध में ही भविष्यवाणी करता है। कौन है? तो बोला कि उसको लेकर आओ। तो मिखाया को लेकर आए। तब उसने कहा कि तू जाएगा मगर विजय होकर नहीं लौटेगा। देखिए वो एक अकेला था जो उसने बिल्कुल अलग बात कही। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो येरो नगर को कि जब सर्वे करने गए, 40 व्यक्ति गए थे, परंतु 2 लोगों ने बिल्कुल अलग बात कही और जो 38 लोग थे वो एक सी बात कर रहे थे। तो यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं, ये कहने का मतलब नहीं है कि लोग जो हैं, बहुत से लोग जब एक सी बात कर रहे हैं और एक अकेला जो है अलग बात कर रहा है तो साहब वो गलत ठहरता है। परमेश्वर के वचन का जो सिद्धांत है वो ऐसा नहीं है। ये संसारिक सिद्धांत जो है ये सही हो सकता है, परंतु परमेश्वर के वचन का सिद्धांत ये नहीं है कि अगर सब एक बात कह रहे हैं तो वो सही है, अगर एक अकेला अलग बात कह रहा है तो वो सही होता है। और यहां पर मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, पौलुस क्यों नहीं है। पौलुस जो था एक मिशनरी व्यक्ति था। जी हाँ, और एक मिशनरी व्यक्ति जब वो मिशनरी यात्राओं पर होता है
तो इसका मतलब क्या है, वो एक जगह ठहर कर जो है वो कहीं पर काम नहीं कर सकता है। वो पौलुस जो था जगह जगह जाकर जो था वो कलीसियाओं को स्थापित करता था और प्रभु के सेवकों को उन कलीसियाओं में नियुक्त करता था। जगह जगह जाकर उसने देश विदेश में जो है मिशनरी यात्राएं करी हैं, और 3 मिशनरी यात्राएं की हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। इफिसुस की जब हम बात करते हैं तो इफिसुस का जो वर्णन मिलता है बाइबल के अंदर, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18 अध्याय 1-4 पद तक और खास तौर से उसका 11 पद, तो वहां जब वो कुरिन्थियों में था तो परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में वो सिर्फ 1.5 वर्ष रहा। कुरिन्थियों की कलीसिया में वो 1.5 वर्ष रहा और प्रचार करता रहा। परंतु जब आप इफिसुस की बात करेंगे तो इफिसुस में जो टाइम पीरियड दिया गया है वहां 2-3 वर्ष का दिया गया। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप रेफरेंस पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 10 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो इफिसुस की कलीसिया में उनको 2 वर्ष तक लगभग सिखाता रहा परमेश्वर के वचन से। परंतु जब आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे तो यहां पर एक बात कहता है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, 3 वर्ष तक, यानी इफिसुस की कलीसिया में पौलुस 2-3 वर्ष तक रहा। चलिए 3 वर्ष मान लेते हैं, 3 वर्ष तक रहा और उसके बाद जो है पौलुस इफिसुस की कलीसिया में नहीं था। फिर इफिसुस की कलीसिया को संभाला किसने, इफिसुस की कलीसिया की देखभाल किसने करी, कौन सा सेवक नियुक्त किया गया, ये जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि परमेश्वर के वचन को हमें बहुत शांति के साथ और बहुत ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब वचन को आप पढ़ते हैं तो आप प्रभु से कहिए कि हम इस वचन के को जान नहीं सकते जब तक आपका आत्मा हमें नहीं सिखाएगा। तो इसलिए प्रभु अपना पवित्र आत्मा दीजिए, अपना बुद्धि का आत्मा दीजिए, अपनी समझ का आत्मा दीजिए, अपना ज्ञान का आत्मा दीजिए, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। क्योंकि जब तक आपके पास ये नहीं रहेगा तब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आप बहुत सी चीजें बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, हिस्ट्री है, मगर उन हिस्ट्री को जब आप बाइबल हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं या आप उसके बारे में देखते हैं, तो उसमें भी समझने की आत्मा जो है वो होनी चाहिए कि आखिर वो किन विषयों के लिए कह रहा है और किस बात के लिए कह रहा है। चलिए हम बात करते हैं पौलुस की मिशनरी यात्राओं के बारे में। देखिए प्रथम मिशनरी यात्रा जो है 46 AD से लेकर 48 AD तक रही है, यानी 3 वर्ष तक, और ये मिलेगा आपको प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 4 पद से लेकर प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 35 पद तक। ये पहली जो है मिशनरी यात्रा है 3 वर्षों की। दूसरी मिशनरी यात्रा है 49 AD से लेकर 52 AD तक, और ये मिलेगा आपको प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 पद से लेकर प्रेरितों के काम 18 अध्याय 22 पद तक। ये 4 वर्ष इसने मिशनरी यात्रा करी है, यहां पर 4 वर्ष का वर्णन है। तीसरी मिशनरी यात्रा जो है 53 AD से लेकर 57 AD तक जो है मिशनरी यात्रा है, ये 5 वर्षों की है, और ये प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 23 पद से लेकर प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 29 पद तक है। यहां ध्यान दें, 13 वर्ष तक पौलुस मिशनरी यात्रा करता रहा। अब 13 वर्षों तक पौलुस मिशनरी यात्राओं पर रहा है, वो किस जगह टिक कर उसने काम करा है, किस जगह एक जगह ठहर कर उसने काम नहीं किया है। और यही पौलुस की नीति थी, जैसे उसने तुर्की की एशिया की जो 7 कलीसियां हैं जब उसकी स्थापना करी तो वहां पर भी सेवक उसने नियुक्त करे, और ऐसे ही कुरिन्थियों हैं और कहीं जितने भी प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे ना या उसकी पत्रियों को पढ़ेंगे तो जितनी जगहें वहां दी हैं हर जगह में पौलुस ने जाकर प्रचार करा और वहां पर कलीसिया की स्थापना करी और वहां पर सेवक नियुक्त करा। अब आप कंफ्यूजन में हो गए, फिर जो है इफिसुस की कलीसिया का दूत कौन है। अब ये जो है जरा शांति के साथ सुनते रहिए, पौलुस तो नहीं है। अभी और चीज बताता हूं, पहले मैं आपको पूरी डेट बता देता हूं पौलुस की, जिससे आप समझ जाएं कि पौलुस नहीं है। देखिए 34 AD में इस्तेफनुस की मृत्यु हुई, और इस्तेफनुस को जब मार डाला जा रहा था तो जो लोग अपने कपड़े वहां छोड़ गए थे उनकी रखवाली जो था वहां पर लिखा है शाउल नामक एक व्यक्ति कर रहा था। वो शाउल कौन था, वो पौलुस था। जी हाँ, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका
58 जो पद है आप उसको पढ़ लीजिएगा, यानी प्रेरितों के काम 7 चैप्टर 58 वर्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ 36 एडी में जब हम बात करते हैं कि पौलुस जो था 36 एडी में यरूशलम जो महायाजक थे उनसे पत्र लेकर जो था वो जा रहा था दशमिक के मार्ग पर, और कहाँ जा रहा था, वो वहां पर जा रहा था कि वो मसीही लोगों को बंदी बनाकर लेकर आए और उनको मारे और पीटे और उनको मार डाला जाए। दशमिक के मार्ग पर जो था पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। अब वहां पर ये कब की बात है, 36 एडी की बात है। पौलुस जो है 36 एडी में प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने लिए चुना और अपने लिए पकड़ा गया, उसको अपने लिए पकड़ा यानी वो उसकी सेवकाई करे और उसकी सेवकाई के लिए वो मृत्यु को भी प्राप्त करे। ये प्रभु यीशु मसीह का जो था उसके बारे में विचार था, और ये प्रेरितों के काम 9:1-19 पद में आपको मिलेगा कि वो कैसे दशमिक के मार्ग पर प्रभु ने उसको रोका, उसको दर्शन दिया, उससे बातें करी हैं और किस तरीके से प्रभु ने उसको पकड़ा है। फिर 36 एडी से लेकर 45 एडी तक पौलुस जो था दशमिक में यरूशलम में केसरिया में तरसुस में सारे यहूदिया में गलील में सामारिया में अंताकिया में प्रभु का प्रचार और उसके नाम की गवाही देता रहा, और उसका जो साथी था यानी बरनबास जो था वो उसका साथी था, वो उसकी मदद करता था, ये दोनों जो थे वो सेवकाई करते थे और मिशनरी यात्राओं में ये जो था पौलुस के साथ शामिल भी था, यानी प्रथम मिशनरी यात्रा में, और उसके साथ जो था वो यूहन्ना भी था जिसको मरकुस कहलाया गया है, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है। शायद आपको पता है या नहीं पता है, मैं नहीं जानता, परंतु 46 एडी से लेकर 57 एडी तक पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की हैं, अर्थात 13 वर्षों तक जो है वो जगह जगह जाकर जो है मिशनरी यात्राओं को वो करता रहा। प्रथम मिशनरी यात्रा के दौरान जो है प्रेरितों के काम 14:23 उसके 23 पद को जब आप पढ़ेंगे और लिखा है कि और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया, किसने, पौलुस ने, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया। पर उन्होंने जो है हर एक जगह पर जाकर जो है उन्होंने प्राचीन ठहराया, बिल्कुल साफ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 14:23 पद है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा, ज़्यादा रेफरेंस जो है बाइबल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे ही कोट कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख लें और अपने घर में पढ़ें, क्योंकि जो डेट है, जो हिस्ट्री है, जो निकल कर आ रही है उसको आप अच्छे से समझें। और लिखा है तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जो था, जब आप प्रेरितों के काम 18:23 पढ़ेंगे, फिर कुछ दिन रहकर वो वहां से निकला और एक ओर से यानी गलातिया से और फुर्गिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा, किसके, किस बात के लिए, काम के लिए, जो उसने चेले बनाए तो उनको नियुक्त करा, उनके हाथ में उसने वो चर्च सौंप दिए, वो कलीसियाएं सौंप दी, वो लोग सौंप दिए कि अब आप इनकी जो है देखभाल कीजिए, और जो प्रभु का वचन जो तुमने मुझसे सुना है, जो सुनाया गया है, जो तुम्हें दिया गया है, वो इनको मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी मती आप 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे तो उसने क्या कहा है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ, उन्हें सिखाओ। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि चलो, और पौलुस ने वही करा है। पौलुस ने अपने आप को कभी भी कलीसिया का कोई भी कारभार नहीं संभाला, क्यों, क्योंकि वो जानता था कि वो एक जगह नहीं ठहर सकता है, वो एक जगह रुककर काम नहीं करता है, क्योंकि प्रभु ने उसको इसके लिए नहीं चुना है। प्रभु ने उसको इसलिए चुना है कि वो सारे एशिया में और सारे यूरोप में जाकर जो है प्रभु के नाम का प्रचार करे। इसलिए पौलुस ने सारी एशिया और सारे यूरोप में जो है बहुत प्रचार किया है और बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना करी है। कम से कम अगर आप गिनने बैठेंगे, मैंने शायद पिछले संदेश में बताया भी था, अगर आपने सुना होगा ध्यान से कम 40-45 जो हैं कलीसियाएं उसने स्थापित की हैं। अब ये सोचिए 40 और 45, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। उसने पौलुस ने बहुत, जो मैं जब गिन रहा था गिनते गिनते थक गया तो मैं 40-45 तक ही रुक गया। बहुत से उसने चर्च स्थापित करे हैं, बहुत से उसने सेवक जो हैं उसमें स्थापित किए हुए हैं, परमेश्वर का जो वचन बताता है। फिर देखिए फिर क्या है,
हिस्ट्री को अच्छे से समझिए, 58 एडी से लेकर 63 एडी तक वे उन जगहों में प्रचार करता फिरा जिन जगहों में उसने कलीसिया स्थापित की थी और उनकी कमियों को दूर करता रहा। हम कहते नहीं सर्वे करना है, पौलुस ने जो कलीसियाएं स्थापित करी हैं, जो उसने कलीसियाओं में सेवकों को नियुक्त करा, फिर उसने सर्वे किया, हर एक कलीसिया में जाकर उसने सर्वे करा कि देखे वहां पर क्या कमी है, उसने कमियों को देखा, उन कमियों को दूर करा। सेवकों के अंदर अगर कमी नजर आई, सेवकों को उसने समझाया, अगर कोई बात उसको गलत लगी, पौलुस बिल्कुल मुंह पे कहने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर कोई भी चीज जो थी गलत नहीं थी, वो स्पष्टवादी था और मुंह पे बोलता था। आप पता, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो उसने पतरस तक को लताड़ दिया था, पतरस की गलती को भी उसने जो है मुंह पर बोला कि तुम गलत करते हो, बिल्कुल सही बात है। पतरस में क्या कमी थी, वो अनजातियों के अंदर जब यहूदी लोग नहीं हुआ करते थे जो, तो वह अनजातियों में उठता बैठता था, खाना पीना भी खा लेता था, परंतु जब यहूदी होते थे यानी खतना किए वाले लोग होते थे तो वो थोड़ा सा दबता था, पीछे हटता था। पौलुस को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने धर के सुनाया पतरस को कि ये क्या बात है, तू प्रभु का काम करता है या किससे, तुझे प्रभु से डरना चाहिए किससे डरना चाहिए। और यही बात जो है पौलुस को हर एक लोगों से अलग करती है पौलुस के अंदर। अभी जब हम जब इफिसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे और भी ऐसे पॉइंट आएंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पौलुस जो है वो इफिसुस की कलीसिया का दूत नहीं है। कैसे नहीं है, जब हम उन पॉइंटों पे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी हम जो है इसकी बात करते हैं। फिर आप जो है 64 एडी से लेकर 67 एडी में क्या है, 64 एडी में उसको बंदी बनाकर क्या है रोम ले जाया गया। अब वो रोम के अंदर जो है वो बंदी बना हुआ, अब रोम के अंदर बंदी बना हुआ है और वो हर जगह उसके काम की चर्चा, पूरे जो समय दिया गया है उस समय के अनुसार वो अलग अलग भागों में अलग अलग चीजों में दिखाई दे रहा है, तो इफिसुस की कलीसिया का दूत कैसे हो सकता है। और 64 एडी में जो है उसको बंदी बनाकर रोम ले जाया गया और 67 एडी में जो है उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार डाला गया रोम के द्वारा, रोम के शासकों के द्वारा जो है मार डाला गया। अब आपके दिमाग में आएगा फिर इफिसुस की कलीसिया का दूत है कौन, फिर इफिसुस की कलीसिया का दूत किसको कहा गया है। जी हाँ, अब मैं देखिए नाम बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि इफिसुस की कलीसिया का जो दूत है वो है तिमुथियुस। जी हाँ, तिमुथियुस जो है वो एक अच्छा सेवक था। तिमुथियुस के बारे में और सीखते जाएंगे अभी जब और इफिसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तिमुथियुस जो है पौलुस का बहुत प्रिय पुत्र कहता है वो उसे, और विश्वास योग और प्रिय पुत्र कहता है। आप जब आप पढ़ेंगे ना प्रेरितों के काम 16 अध्याय 1 से 5 पद तक, ध्यान दीजिएगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय 1 से 5 तक, पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जो है एक बार फिर से दिर्बे गया, तब उसकी मुलाकात जो थी तिमुथियुस से हुई, और उस तिमुथियुस का जो नाम था उन वहां के सारे भाई, जब वो दिर्बे गया ना दूसरी बार जब मिशनरी यात्रा में गया, एक बार पहले भी जा चुका था मगर उस समय तिमुथियुस से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, परंतु जब दूसरी बार गया तो उसे तिमुथियुस मिला, और तिमुथियुस का जो नाम था बहुत नाम था, बुराई में नहीं भलाई में, भले कामों में, और सुलझा हुआ व्यक्ति था ये। पौलुस को बहुत अच्छा लगा और पौलुस ने यह चाहा कि ये व्यक्ति मेरे साथ काम करे, मेरे साथ मिलकर काम करे, और पौलुस ने उसको अपने साथ रख लिया। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का जो वचन बताता है कि तिमुथियुस को जो है पौलुस ने रख लिया। अब जानते हैं पौलुस के साथ उसने जो है दूसरी मिशनरी यात्रा भी करी है, और गलतियां फिलिपियों, यरूशलम, मकिदुनिया, बेरिया, कुरंतियों, इफिसुस, केसरिया, एथेंस, ऐस और भी बहुत सी जगहों में जो है इसने पौलुस के साथ काम किया है, पौलुस के साथ गया है। और फिर पौलुस ने क्या करा, इसको इफिसुस की कलीसिया में प्रभु का सेवक जो है वो नियुक्त कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक रेफरेंस जरूर आपको पढ़ाना चाहूंगा कि पहला कुरंथियों जो है आप 4 अध्याय, जी हाँ पहला कुरंथियों 4 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ, और उसका 17वां पद जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने तिमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है, वे तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो है पौलुस जो है वो क्या कह रहा है,
कुरिन्थियों के लोगों को, मैं किसको भेज रहा हूं, वो कह रहा है कि मैं तिमिथियुस को भेजता हूं, इसलिए मैं तिमिथियुस को जो मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेज रहा हूं, वे मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। अब देखिए पौलुस के कितना करीब था कि वो उसके चरित्र के बारे में, उसके नेचर के बारे में बहुत बारीकी से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। अब किसी के नेचर के बारे में जानने का मतलब क्या होगा कि वो बहुत क्लोज होगा। अगर आपके चरित्र के बारे में कोई जानता है, आपके नेचर के बारे में अगर कोई जानता है, तो इसका मतलब वो आपके बहुत करीब व्यक्ति होगा। वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपके पत्नी भी हो सकती है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि तिमिथियुस जो है पौलुस के कितना करीब था, ये बात किसी और के विषय में नहीं लिखी। बहुत से लोगों ने पौलुस के साथ काम किया है, सिलास ने भी काम करा है और भी कई सेवकों ने काम करा है, मगर उनके बारे में पौलुस ने ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। सिलियास के बारे में तो ये लिखा है कि वो दोनों बंदी गृह में गाना गा रहे थे और बंदी गृह के जो बंधन थे वो उनके खुल गए, सिलियास और पौलुस दोनों, मगर उसने सिलियास के बारे में ऐसा नहीं लिखा और भी सेवकों के बारे में ऐसा, मगर तिमिथियुस के बारे में लिखता है क्योंकि तिमिथियुस को उसने अपने साथ जो है वो लगा के रखा था। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 10वां पद देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर कहता है, यहाँ देखा ना कि वो हर एक जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता फैला। ये हमने पहला कुरिन्थियों 4:17 पढ़ा था, यानी हर एक कलीसिया हर एक जगह में जहाँ पौलुस उपदेश करता रहा। परंतु यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके 10वें पद में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि तिमिथियुस आ जाए तो देखना कि वे तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वे मेरे समान प्रभु का काम करता। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। क्या कहता है, देखिए पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है ये मेरे समान काम करता है, अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो उसका ध्यान रखना, वो बेखौफ होकर रहे, डर के नहीं रहे तुम्हारे बीच में। है आज जैसे बहुत से लोग जो है पादरी अगर उनके बीच में होते हैं तो बहुत से लोग पादरियों को डरा कर रखते हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। ऐसा नहीं था, पौलुस समझाता है लोगों को, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को समझा रहे, देखो वो डर दब के ना रहे, निडरता के साथ रहे। क्यों रहे, क्योंकि वो मेरे जैसा काम करता, मेरे समान काम करता है। देखिए एक बहुत बड़ी गवाही दे रहा पौलुस किसके विषय में, तिमिथियुस के विषय में एक बहुत बड़ी गवाही दे रहा है। और इसलिए पौलुस ने जब इफिसस की कलीसिया को जो नियुक्त करा है वो तिमिथियुस को करा है। आगे देखेंगे बहुत सी बातें हैं इसकी, जो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो किस तरीके से तिमिथियुस के बारे में वर्णन करता है, क्योंकि जैसे जैसे इफिसस की कलीसिया के भेद खुलते जाएंगे आपको ये और भी गहराई से आपके समझ में आता चला जाएगा, सही में पौलुस नहीं है, तिमिथियुस है। देखिए अभी मैंने पूरी हिस्ट्री पौलुस की बताई है, जिस तरीके से इतिहास पौलुस का बताया है, जिस तरीके से डेट आपको दी है, जो एडी में उस किस एडी में क्या काम करा, किस एडी में वो कहाँ था, किस एडी में किधर गया था, सारी चीजें बताई हैं, उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि पौलुस तो नहीं है। अब तिमिथियुस कैसे है ये आगे बताएंगे और ये भी पता चलेगा कि पौलुस आखिर क्यों नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके दिल दिमाग में नहीं रहेगा, बस आप जो है परमेश्वर के इस वचन के साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।